दोस्तों स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल कुमार जी 083 में। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं यहां पर आपको बरेली घुमाता रहता हूं। कैसे हैं आप सभी? मेरी दुआ है कि आप सभी खुश होंगे जैसे भी होंगे। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं बरेली का एक कलश चौक। मैंने सुना है बहुत लोगों ने डिमांड की, कमेंट की है, तो मैंने सोचा है आपको कलश चौक घुमाया जाए। तो चलिए मैं आपको घुमाता हूँ कलश चौक और उसकी लोकेशन ही बताऊँगा कि किस जगह पड़ता है। हमने सुनने में आया कि डेलापीर से आगे SST प्लाजा की तरफ है। तो चलिए चलते हैं और आपको घुमाते हैं कलश चौक जो कि भी अभी नया बना है। तो चलिए भक्ति के गाने शुरू हो गए क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है और बरेली की सड़कों से होते हुए हम गुजर चुके हैं। बरेली की हवा ताज़ी ताज़ी, बरेली की आबो हवा के साथ इन कच्ची सड़कों के और पक्की सड़कों के साथ मैं निकल चुका हूं अपनी साइकिल से, ये देख सकते हैं। तो चलिए सफ़र तय, सफ़र शुरू हो चुका है हमारा। अमीर सभी देशभक्ति में डूब जाते हैं। ये देख सकते हैं कितनी छोटी झुग्गी में भी तिरंगा लगा हुआ है। कहते हैं कि देशभक्ति गरीब और अमीर कुछ नहीं देखती है, देशभक्ति का जज्बा जिसमें आ गया वो आ ही गया। खूबसूरत चीज़ें घूमने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा हमारे चैनल पे ताकि मैं और भी चीज़ें आपको घुमाता रहूँ। तो उसकी तरह मैं फिर से निकल सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ इस समय डेलापीर से थोड़ा सा आगे चौराहे से और मुझे अभी पता चला है कि कहीं पर कलश चौक बना हुआ है, कलश बना हुआ है। तो अभी हम घूमते घामते घूमते हुए निकलते हैं कलश चौक पर और आपको घुमाते हैं कलश चौक। कलश चौक हमने ढूंढ लिया है, ये जो है SST प्लाजा के बिल्कुल सामने ही है। ये देख सकते हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से लगता है तैयार नहीं हुआ है। और यही रोड जो है जाता है आपका कुहाड़ा पीर धर्म कांटे के लिए। तो दोस्तों चलते हैं। और DDPuram के लिए भी ये रोड चला जाता है। अवध प्लाजा वगैरह यहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और भी अगर आपको
कहीं घूमना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा घुमाने की। ये तो हमारा कलश चौक का ब्लॉग था, किसी ने कमेंट किया था तो हमने देखा जाए कहाँ पे कलश जी बना हुआ है।